नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। तो आज मैं लेके आई हूँ बेसन से बनाए जाने वाले बिल्कुल बाजार के स्वाद वाले लिज्जत पापड़ की रेसिपी, जिसे मैं आधा कप बेसन से ही बना के दिखाऊंगी 500 पापड़। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यदि आप बनाना चाहते हैं इस पापड़ को तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आप पापड़ बनाइएगा। आधा अधूरा देख के बनाइएगा, हो सकता है आप मेहनत भी करें और बाद में आपका पापड़ टूट या फट जाए। तो वीडियो को अच्छे से देख के समझ के फिर बनाइएगा। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँ, समझा के वीडियो बनाऊँ, जिससे कि हमारे कोई भी फ्रेंड्स को दिक्कत ना हो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के पहले बेसन को अच्छे से घोल लेना है। ध्यान रखना है इसमें कोई भी लम्स ना पड़े, और यदि आपसे पड़ जाता है, इसमें गुठली रह जाता है, अच्छे से स्मूथ नहीं होता है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप इसे छन्नी से छान के अच्छे से एक बार निकाल लीजिएगा छन्नी पे, तो इसमें जो भी गुठली होगा वो अच्छे से निकल जाएगा। तो अभी एक कप बेसन में एक कप पानी डाल के अच्छे से इसे घोल के बैटर इसका तैयार कर ली हूँ। बाद में इसमें अभी और पानी जाएगा, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि वीडियो हमारा अच्छा लगेगा, आप आगे भी हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अब इसमें डाल दी हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, और अच्छे से इसे मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि जीरा थोड़ा सा अच्छे से फूलेगा और मिक्स भी हो जाएगा सारे में। अब इसमें डाल देना है हींग चुटकी भर, क्योंकि बेसन हमारा कम है, अब ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो हींग जीरा नमक उसके अनुसार से डालिएगा, जितना आप बेसन ले रहे हैं उस अनुसार से आप डाल लीजिएगा। और बिल्कुल बाजार में जो लिज्जत स्वाद वाले पापड़ आप लोग खरीद के लाते होंगे ना, वही स्वाद का पापड़ आज मैं घर में बना के आपको दिखाने वाली हूँ। अब यहाँ पर कलर, ये फूड कलर है फ्रेंड्स, आप चाहें तो कलर का इस्तेमाल करें। यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा, जैसे कि होता है ना कि पापड़ में हल्का सा चमक रहता है, एकदम बहुत सुंदर देखने में लगता है, तो आप चाहें तो इसमें एक चुटकी फूड कलर डाल सकते हैं। और आपको पसंद नहीं है फूड कलर डालना तो आप बिना फूड कलर का भी बना लें, लेकिन यहाँ पर आप हल्दी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक चुटकी मीठा सोडा, यानी खाने वाला सोडा जो खाना में पड़ता है ना, वो एक चुटकी इसमें डालूँगी। तो मीठा सोडा के साथ यदि हल्दी पड़ता है तो उसका कलर लाल हो जाता है, और फूड कलर डालिएगा तो कलर बहुत अच्छे रहेगा और बिल्कुल भी इसका कलर बदलेगा नहीं। तो देखिए, मात्र एक चुटकी इसमें डाल देती हूँ मीठा सोडा। आप डालना चाहे तो ई भी डालिए, नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। इससे डालने से क्या होता है, पापड़ थोड़ा खस्ता बनता है, हल्का बनता है, कड़ा नहीं होता है। तो बस एक चुटकी डालना, बहुत ज़्यादा डालिएगा तो पापड़ फ्राई करने वक्त लाल हो जाएगा। अब अच्छे से इसे घोल के तैयार कर ली हूँ। अब पापड़ जिस बर्तन में आपको बनाना है उस बर्तन को चढ़ा लेना है गैस पर। अब इसमें डाल देना है पानी। एक कप पानी का इस्तेमाल पहले कर चुकी हूँ, अभी इसमें 3 कप पानी डाल देती हूँ, यानी 1 कप बेसन में 4 कप पानी डाली हूँ। आप ध्यान रखिएगा बेसन आपका मोटा है या पतला है, बहुत ज़्यादा पतला है तो 4 कप लगेगा, बहुत ज़्यादा हल्का सा दरदरा है यानी मोटा है तो आप 5 कप पानी डाल लीजिएगा। थोड़ा सा जिस बर्तन में बेसन को घोली हूँ उसमें धो के आधा कप पानी और डाल दी, तो कुल 4.5 कप पानी इसमें पड़ा है। अब इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, एक भी बार आपको इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि बेसन है बहुत जल्दी जाके तले में चिपक जाएगा बर्तन के तले में, और उसमें जला जला सा टेस्ट हो जाएगा। तो आज मैं पापड़ में कुछ भी नहीं ऐड करने वाली हूँ, सिर्फ बेसन से ही बनाऊँगी। इसके पहले भी मैं बेसन का पापड़ अपलोड की हूँ फ्रेंड, जिसमें कि कॉर्नफ्लावर डाली हूँ या मैदा या चावल का आटा डाली हूँ, जिससे कि पापड़ हमारा फटे नहीं। और आज सिर्फ बेसन से ही बना के पापड़ आपको दिखाने वाली हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैटर पका रहे हैं वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, यदि कच्चा रह गया तो वो पापड़ सूखने के बाद टूट जाएगा। तो गैस की आंच को कम रखिएगा, शुरू में मीडियम रखिएगा और बाद में लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाना है। जितना अच्छा टाइम देके पापड़ के बैटर को पकाएंगे उतना अच्छा आपका पापड़ बनेगा, क्योंकि ये जो बेसन है अच्छे से पकना चाहिए। और भी पापड़ की रेसिपी आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, पहले नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारे पापड़ की रेसिपी ऐसा लगेगा कि मन करेगा देखते ही इसे बना लूँ और खाऊँ बना के। और अभी पापड़ को रात के समय में बना रही हूँ, तो पूरे रात इसे पंखे के हवा में छोड़ दूँगी, कहीं भी आप
खुला कोई रूम है उस पर पंखा चला ले, पूरे रात पापड़ को छोड़ दे, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। सुबह में जब धूप आए तो थोड़ा देरी से धूप में सुखा ले, 2 दिन लगेगा पापड़ को सूखने में यदि आपके यहाँ धूप है तो, नहीं है तो पंखे के हवा में 3 से 4 दिन जरूर लगेगा पापड़ को सूखने में। अलट पलट करके सूखा के उसके बाद पापड़ को लंबे समय तक स्टोर कर ले, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो देखिए अब बैटर जो है हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इतना करना है कि जब आप पापड़ बनाएं तो उसका शेप सही हो। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो पापड़ बनेगा ही नहीं, अजीब सा जमा जमा सा हो जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके का होना चाहिए। इसे लगातार चलाते रहना है। तो अभी हमारा बेसन पक चुका है, अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और बैटर को थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। जब बैटर थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद इसका पापड़ बना के और आपको दिखाऊंगी। जैसे जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। पापड़ बनाने के लिए आप कोई भी पॉलीथीन ले लें, हल्का सा इस पर तेल चाहे लगाना चिकना करना तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं उखड़ जाएगा, बहुत अच्छे से चिपकेगा, बिल्कुल भी पापड़ नहीं। तो देखिए इसे दूसरे बर्तन में डाल दी हूँ क्योंकि वो वाले बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म था, ठंडा होने में टाइम लेता। अब देखिए इतना ही जमा हुआ हमें चाहिए। अब गोल गोल पापड़ बनाने का तरीका सबसे आसान है चूड़ी। घर में जो पुराना चूड़ी पड़ा होता है उससे आप पापड़ बनाएं, बहुत अच्छा एक साइज का पापड़ बन के आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब बना के दिखाती हूँ। तो छोटा वाला चम्मच से एक एक चम्मच करके हर चूड़ी के अंदर बैटर को डालना है। बहुत बड़ा चम्मच से डालिएगा, पापड़ बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा हो जाएगा। तो एक चम्मच डालना है और थोड़ा सा डाल लीजिए यदि चूड़ी का साइज बड़ा है तो, और इसे फैला दें यानी कि चूड़ी के अंदर ही से गोल कर दें। बहुत ज़्यादा पतला पतला भी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं डालना क्योंकि सूखने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो ही जाता है। देखिए कितना अच्छा इसका गोल मोल सा शेप हुआ है। तो बैटर कुछ इस तरीके का बेसन जब आप पकाएंगे तो इतना ही गाढ़ा रखिएगा जिससे कि आप जब पापड़ बना रहे हो तो इधर उधर फैले ना। और इतना सा बेसन में आप 50 पापड़ बना सकते हैं। यदि चूड़ी में बनाना चाहते हैं तो एक साइज का बनेगा और बहुत सारा पापड़ बनेगा, और आप चाहे तो बिना चूड़ी का भी थोड़ा थोड़ा सा एक एक चम्मच डाल के और अच्छे से पतला करके फैला दे, जैसे कि चूड़ी के अंदर फैला रही हूँ वैसे बिना चूड़ी का भी आप फैला सकते हैं। साइज आपको और भी बड़ा बनाना है तो बिना चूड़ी का बनाए, और भी बड़ा बड़ा बन जाएगा। और बहुत अच्छे से जब एक तरफ से सूख जाएगा तो फिर पलट के दूसरे तरफ से सुखा लीजिएगा। तो चलिए सारे पापड़ को बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमें सपोर्ट करें। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे पापड़ हमारे बनके तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, बहुत सारा पापड़ है। अब कैमरा में उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो 50 पापड़ बनके तैयार हुआ है आधा कप बेसन से, और ये बाजार वाले बेसन है, जो नॉर्मली चना का बेसन मिलता है वही बेसन है। चलिए सुखा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स पापड़ सूखने के बाद कितना छोटा छोटा सा हो गया, लगता है जैसे आलू का चिप्स हो, देखने में तो एकदम लग रहा है जैसे आलू का ही चिप्स हो, लेकिन ये है बेसन का पापड़। जब आप बना के इसे फ्राई करके खाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि बाजार वाले स्वाद इसमें है या नहीं। तो चलिए अब पापड़ को फ्राई करके दिखाती हूँ तब आप समझ पाएंगे। पापड़ फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म, जैसे हम लोग हर पापड़ को फ्राई करने के लिए तेल जितना गर्म करते हैं उतना ही गर्म तेल को करना है, और इसमें पापड़ डाल दीजिए। देखिए कितना अच्छा गोल मटोल सा पापड़ जितना साइज का बनाया गया था उतना ही साइज का बन के आया, और इसका कलर भी देखिए बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इसमें हर चीज़ बराबर मात्रा में पड़ा हुआ है। जब आप इसमें खाने वाला सोडा डालेंगे तो उसका ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और थोड़ा सा इसमें कलर डालने से इसका कलर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो बिना कलर का भी बनाएं, बेसन तो खुद पीला होता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पापड़ हमारा बन के तैयार है, काफ़ी क्रिस्पी है देखिए, और स्वाद बिल्कुल वही बाजार वाले, सिर्फ इसका साइज छोटा है। अब बिना बेले हुए बनाया गया है तो कुछ तो अंतर होगा ही, लेकिन स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ।
थैंक यू।